हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीटेक। और आज हम एक और कंपैरिजन लेकर आ गए हैं स्पीकर का, ट्रिपिट वर्सेस जीपीएल फ्लिप एसेंशियल। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं और पता लगाते हैं कौन है असली बाजीगर। तो आगे बढ़ने से पहले, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, अगर आप नए इस चैनल पर और आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है या फिर आपने पहले सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब आपके लिए तो फ्री बट मेरे लिए बहुत ही कीमती है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं कि जैसा कि मैं JBL की बात कर रहा था, यहाँ पर आपको 16 वॉट का स्पीकर मिलता है, दो फ्रंट फेसिंग है यहाँ पर 88 वॉट्स के हैं और बेस रेडिएटर साइड में। यहाँ पर ट्रिबिट में 24 वॉट्स है तो दो 12 वॉट्स का आपको साइड में मिलता है और दो बेस रेडिएटर साइड में मिलता है, तो एक 360 सराउंड साउंड आपको मिल जाता है यहाँ पे। ये फ्रंट फेसिंग है तो आप इसको अगर फ्रंट की तरफ रखेंगे तो आपको ज्यादा वॉल्यूम फील होता है। यहाँ पे इन हैंड फील की बात करूँ तो दोनों बहुत ही प्रीमियम फील होते हैं, लाइक एक हैवी सा फीलिंग आता है। इतनी अच्छी बिल्ड क्वालिटी है इनका, जो ऊपर का जो टेक्सचर है, टेक्सचर दोनों का काफ़ी सिमिलर है। एक कपड़े का टेक्सचर, उन्होंने एक फाइबर जैसा टेक्सचर बना के रखा ऊपर, जिससे साउंड पानी अंदर ना जाए बट साउंड बाहर आए, तो ये काफ़ी अच्छा फील दे रहा है इन हैंड। और काफ़ी बसते वक्त भी ये काफ़ी अच्छे बसते हैं दोनों। बाकी मैं अगर रेटिंग की बात करूँ तो दोनों ही IPX7 रेटेड है, तो आप इसको आराम से पानी में यूज़ कर सकते हैं, आप फेंक भी दीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हालांकि मेरा एक बार गिर भी चुका है पानी में, तो काफ़ी आराम से चलता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए आप देखेंगे तो यहाँ जो पीछे जो स्लॉट्स दिए हुए हैं उसको कवरिंग जो है काफ़ी अच्छी रिजिड दी हुई है, एंड सेम इज द केस विद फ्लिप ऑल्सो। ये तो हाथ से जल्दी खुलता भी नहीं मेरे, तो काफ़ी अच्छे से एक प्रोटेक्शन दिया हुआ है पानी में, तो कोई टेंशन नहीं है। और बॉक्स में अगर बात करूँ तो आपको एक सिर्फ चार्जिंग केबल मिलता है और माइक्रो यूएसबी है। ये मेरा थोड़ा पुराना यूनिट है तो इसमें माइक्रो यूएसबी है। अभी अगर आप नए यूनिट खरीदते हैं तो आपको उसमें टाइप सी चार्जिंग मिल जाता है। फ्लिप एसेंशियल मैंने रिसेंटली खरीदा है बट मुझे इसमें अगेन माइक्रो यूएसबी ही मिला, तो आई एम नॉट श्योर ये क्यों नहीं अपडेट करें, इनको अपडेट कर लेना चाहिए टाइप सी में। बाकी कोई दिक्कत नहीं है इसमें, मुझे काफ़ी बढ़िया लगा दोनों स्पीकर को हाथ में लेके, क्वालिटी भी काफ़ी प्रीमियम है। एक्स बेस है ट्रिबिट के अंदर, जो आपको इसके अंदर कोई अलग से आप ऑन ऑफ नहीं कर सकते, एक्स बेस को इसके अंदर आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। एक्स बेस ऑफ कर देने से थोड़ी सी बैटरी सेविंग हो जाती है, थोड़ा सा बेस को ये कम कर देता है, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत फर्क नहीं आता एक्स बेस को टॉगल करने से, काफ़ी हल्का सा फीला था। JBL एज इट इज लाउड बजता है, क्लियर बजता है, थोड़ा ओपन बजता है। ये 360 है तो आप इसको अगर आप एक डायरेक्शन से आपको सुनोगे तो आपको लगेगा कि इसका शायद वॉल्यूम कम है, लेकिन आउटपुट इसका ज़्यादा है, बट फिर भी ये थोड़ा सा एक वॉल्यूम कम फील आता है क्योंकि ये फ्रंट फेसिंग है तो आपको एक ज़्यादा आउटपुट फील होता है, और ये 360 सराउंडेड है तो आपको एक थोड़ा सा कम फील होता है वॉल्यूम। बाकी बेस के मामले में मैंने जैसा रियलाइज़ किया, बेस मुझे ट्रिबिट का ज़्यादा बेटर लगा है, लेकिन JBL की मुझे ओवरऑल क्लैरिटी बहुत ही आउटस्टैंडिंग लगी। आवाज़ की जो साउंड की क्लैरिटी है, रिचनेस, दैट इज टू गुड। बेस इसका हल्का सा कम है, तो अगर आप बेस लवर है तो आपको शायद ट्रिबिट लेना पड़े, या फिर अगर आपका बजट अच्छा है तो आप JBL फ्लिप 4 या फ्लिप 6 तक भी आप जा सकते हैं। कनेक्टिविटी की बात करूँ तो इसमें है ब्लूटूथ 4.1 और इसमें है ब्लूटूथ 4.2। तो 4.1 में ज़्यादा नुकसान तो नहीं है आपको, बस ये कि आपको मोबाइल में आपका स्पीकर का बैटरी परसेंटेज नहीं दिखता, यहाँ पर आपको दिखता है बैटरी परसेंटेज। नेक्स्ट है, इसके अंदर माइक नहीं है तो आप कॉल्स वगैरह नहीं ले सकते, इसके अंदर माइक है तो आप कॉल्स भी यहाँ पे ले सकते हैं। और अगर मैं बैटरी की बात करूँ तो इसने क्लेम किया कि 10 आवर्स तक चल सकता है और इसने क्लेम किया 20 आवर्स तक, बट मैंने जब खुद यूज़ किया है पर्सनली दोनों को तो मैंने देखा ये ऑब्वियसली ये काफ़ी नज़दीक आ जाता है, लाइक 8-9 आवर्स चल जाता है एट अराउंड 70% वॉल्यूम अगर आप यूज़ करते हैं इसको, तो ये चल जाता है एटलीस्ट 8-9 आवर्स। ये अगर आप इसका एक्स बेस कंटिन्यूसली ऑन रखते हैं तो फिर 20 आवर्स तो नहीं जा पाएगा, फिर भी अराउंड एटलीस्ट 15 आवर्स चला जाता है अगर आपने एक्स बेस ऑफ रखा है एंड 70%। हालांकि पुराना हो चुका है थोड़ा सा तो बैटरी परसेंटेज गोज डाउन, बट अभी भी इवन आफ्टर लाइक आई बीन यूजिंग दिस फॉर अराउंड 2 years नाउ, 2.5 years, बैटरी स्टिल एज गुड एज न्यू। तो उतरा तो है डेफिनेटली बट बैटरी अभी भी काफ़ी दमदार है इसकी। फ्लिप एसेंशियल की बैटरी अभी मैं इसको टेस्ट आउट करूंगा एकदम एक्सटेंसिवली, बट अभी जो इनिशियल रिजल्ट है उसमें मुझे दिख रहा है कि काफ़ी अच्छा है बैटरी, दोनों का बैटरी काफ़ी अच्छा है। ऑब्वियसली इसकी थोड़ी कैपेसिटी कम है, इसकी कैपेसिटी थोड़ी ज़्यादा है, एंड डेफिनेटली इसमें एक्स बेस का भी यूटिलाइजेशन ज़्यादा होता है, तो ऑब्वियसली इट मेक्स सेंस टू गिव अ बिगर बैटरी ओवर हियर। सो ओवरऑल आई थिंक दोनों ही बैटरी के मामले में अच्छे हैं, उनका टाइम भी काफ़ी अच्छा चलता है। चार्जिंग टाइम लगभग दोनों को मैंने देखा, एक अगर मैं 10-12 वॉट का चार्जर यूज़ करता हूँ तो 2.5-3 घंटे दोनों को ही लग जाते हैं चार्ज होने में, तो ज़्यादा फर्क नहीं है, चार्जिंग टाइम ऑलमोस्ट इक्वल है। तो काफ़ी हो गई बातें, अब चलिए डायरेक्ट आवाज़ को सुनकर आप खुद जज करिए कि कौन है बादशाह। You could let me down so low.
तो यहाँ पर हमने साउंड कंपैरिजन दोनों का ही देख लिया। आपको क्या लगता है कौन यहाँ पे था दमदार? मुझसे अगर आप पूछे तो मुझे तो यहाँ पे फ्लिप ज्यादा अच्छा लगा। JBL फ्लिप एसेंशियल की आवाज मुझे अच्छी लगी क्योंकि काफी ओपन आवाज थी, काफी रिच था, क्लियर था। जो इंस्ट्रूमेंट्स बज रहे थे, जो वोकल्स थे, वोकल्स तो थे ही नहीं हालांकि उसमें, जो भी इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह हैं वो बहुत ही क्लियरली सुनता है। मैंने जैसे वोकल्स पहले सुना है वो भी मुझे काफी क्लियर एंड रिच फील हो रहा था। ट्रिपिट काफी बैलेंस्ड साउंड देता है आपको, बेस भी अच्छा है उसका, मिड्स हाईज लोज एवरीथिंग इज बैलेंस्ड। वो एक्सट्रीम में नहीं ले जाता किसी चीज को, एक बैलेंस साउंड देता है। तो अगर आप इसको इंडोर में कन्फाइंड स्पेस में यूज करते जहां पर आप एक थोड़ा बेसी टाइप का म्यूजिक सुनते हैं, लोफाई या फिर हैवी बेस वाला, और आपको मूवीज भी देखनी है, आपको गाने भी सुनने हैं और सभी टाइप के गाने सुनने हैं आपको, तो देन ट्रिबिट आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। लेकिन अगर आप ज्यादा ट्रैवल करते हैं और आपको एक लाउडनेस ज्यादा मैटर करता है, जहाँ पे आपको मे बी डांस करना है अपने फ्रेंड के साथ, कैंप आउट करना है, कुछ करना है, और आपको म्यूजिक का लाउडनेस ज्यादा मैटर करता है और रिचनेस एंड क्लैरिटी ऑफ कोर्स इसकी अच्छी है, तो दैट विल ऑलवेज मैटर। तो वहां पर आई थिंक JBL अच्छा काम करेगा आपको। इसका थोड़ा सा वॉल्यूम मुझे कम फील हुआ, तो उस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि ये आउटडोर में उतना अच्छा आपको डिलीवर नहीं कर पाएगा। इंडोर में है अगर आप तो काफी अच्छा आपको परफॉर्मेंस देगा ये, और इंडोर में आई थिंक दोनों ही काफी अच्छे हैं क्योंकि आप लो वॉल्यूम पे इसे रखते हैं तो आप इसे आराम से यूज कर सकते हैं। फुल वॉल्यूम पे जब हमने इसे टेस्ट किया तो हमने देखा कि इसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा आ रहा था। वो इस वजह से भी है क्योंकि इसके स्पीकर्स फ्रंट पे हैं, इसके साइड पे स्पीकर्स हैं, तो आपको इसके पीछे से आप सुनेंगे तो आपको जो समझिए अगर आपने किसी रूम में रखकर सब सराउंड करके बैठे तो आपको एक साइड पे इसकी आवाज ज्यादा आएगी, बट ट्रिबिट का आपको मोस्टली 360 सराउंड साउंड आएगा, तो आपको जैसे सामने वाले पर्सन को दिख रहा है वैसे ही उसको अपोजिट पर्सन एंड इवन बाकी एंगल्स वाले जैसे बैठे उनको सेम आवाज डिलीवर होगी। तो उस वजह से ये मुझे एक बैलेंस साउंड लगता है और ये ऑलराउंडर निकल कर आता है क्योंकि ट्रिबिट को मैंने देखा है कि ये बजट में बहुत अच्छा साउंड डिलीवर करता है। JBL तो ऑब्वियसली हमने नाम सुना और काफी अच्छा डिलीवर भी करता है। थोड़ा सा यस ऑफकोर्स महंगा है, अगर आप फ्लिप 4 या फ्लिप 6 लेते हैं तो आपको बहुत ही आउटस्टैंडिंग आवाज मिलेगा, बट ऑब्वियसली दे आर कॉस्टली। अभी ट्रिबिट का जो प्रो वर्जन आया है दैट इज अराउंड 9,000, तो वहां पर भी आपको लाइक इट इज कम्पीटिंग सम रियली टॉप नॉच स्पीकर्स, तो वो भी मुझे बहुत पसंद आया प्रो वर्जन। डेफिनेटली कभी उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अगर आज की वीडियो की बात की जाए तो दोनों ही मुझे लगता है कि काफी अच्छे रहे हैं। अपनी अपनी चॉइस हो सकती है, आपको लाउडनेस ज्यादा मैटर करता है और आप ज्यादा बाहर ट्रैवल करते हैं, ज्यादा लोगों के साथ आपको म्यूजिक सुनना है, देन यू वुड प्रेफर JBL। बट अगर आप बेसी म्यूजिक सुनते हैं और आपको सब टाइप के म्यूजिक या सब टाइप के साउंड्स को आपको फील करना है तो आई थिंक देन ट्रिबिट इज अ परफेक्ट चॉइस फॉर यू। सो ये था हमारा वीडियो, ये था हमारा कंपैरिजन। आपको क्या लगता है, आप क्या फील करते हैं दोनों स्पीकर्स के बारे में, कमेंट में जरूर बताएं उसके बारे में हमें। और अगेन मैं रिपीट करता हूं कि मेरा जो चैनल है उसमें मैं हमेशा टेक रिव्यूज डालते रहता हूं, एंड एज आई से वी पुट सिंपल बट इंपॉर्टेंट रिव्यूज ओवर हियर। सो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, फॉलो इट एंड शेयर द कंटेंट विथ योर फ्रेंड्स। टिल देन बाय बाय।